पटना में बीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वो 67वीं पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आक्रोशित हैं। इसको लेकर आखिर क्या है उनकी मांग, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा। बीपीएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सड़सठवीं पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध। परीक्षा नियंत्रक को पद से हटाने की मांग। छात्रों का गुस्सा ऐसा भड़का कि बीपीएससी के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल दिया। बीपीएससी दफ्तर के बाहर अपने हक की मांग कर रहे ये छात्र 67वीं पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही परीक्षा नियंत्रक को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही रिजल्ट में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। अपने साथ हुए छलावे को वो कुछ इस तरह से बयां भी कर रहे हैं। आयरन में क्या होता है सर, अगर उसमें जंग लगता है तो उसका वजन धीरे धीरे पहले बढ़ता है ऑक्साइड के कारण, और ऑक्साइड के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे छड़ होकर खत्म हो जाता है। इनको इतना भी समझ नहीं है, बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत किए हुए हैं, ये भी बोला ना कि दोबारा गलत किए हैं। जी हम लोग 67 में जो व्यापक स्तर पर जो धांधली हुआ है उसमें मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं, और जो 9 प्रश्न है उसके जो गलत उत्तर दिए गए हैं, पहले उसका सही उत्तर दिया गया था, बाद में फिर आयोग के जो एक्सपर्ट टीम बना उसके द्वारा जो गलत आंसर दिया गया उसको मांगों को लेकर के हम लोग बोल रहे हैं। वहीं अब छात्रों के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी उतरे। बीपीएससी के प्रति लोगों की, नौजवानों की एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि हमारे बिहार के प्रतिभा दूसरे राज्यों में जाकर अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए बीपीएससी को पारदर्शी एवं बेहतर बनाने की आवश्यकता है, और उसके पूरे ढांचे में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जिससे कि बिहार के नौजवानों की एक उम्मीद के रूप में यह संस्था काम कर सके। बीपीएससी हमारे एक संवैधानिक प्रतिष्ठित, जहां पर प्रशासनिक कार्यक्षमता की, दक्षता की परीक्षा होती है और उसकी विश्वसनीयता बरकरार रखना हम सबों की जिम्मेवारी है। लेकिन दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से बीपीएससी में लोगों का चयन हो रहा है, मतलब अपने स्वार्थ और अपने मनोनुकूल लोगों को बैठाया जाता है बीपीएससी के पद पर, उसके सदस्य बनने के लिए, उसके चेयरमैन बनने के लिए जो अर्हताएं होनी चाहिए उसको भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज की जाती है। सुना आपने, एक और बीपीएससी के रिजल्ट के बवाल पर राज्य में बीपीएससी की प्रतियोगिता को लेकर छात्रों में असंतोष है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष संतुलन बनाने में जुटा हुआ है। बिहार में बेरोजगार नौजवानों के लिए महागठबंधन सरकार जितना बेहतर ढंग से काम कर रही है और नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने के प्रति जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। अपने हक की मांग कर रहे इन छात्रों की मांग क्या है, आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। अभ्यर्थियों की मांग, बीपीएससी के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार को पद से हटाया जाए, नए आयोग का गठन करें सीएम नीतीश कुमार, 67वीं बीपीएससी की जांच नए आयोग से कराएं। तो ये रही छात्रों की मांग। अब इस पर बीपीएससी ने क्या कहा, अब इसको भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं। समिति ने क्या कहा, सभी प्रश्न पुस्तिकाओं में उत्तर विकल्प ई की अनुमति दी, उत्तर विकल्प ई को चिन्हित करने के बाद एक अंक बढ़ा दिया।
संशोधित कट ऑफ अंक के चलते 15 अभ्यर्थी 67वीं प्रीलिम्स में पास हुए। बहरहाल छात्रों का ये प्रदर्शन उनके कितने काम आता है ये तो नीतीश सरकार को तय करना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन मिल जाने से छात्रों के आंदोलन को संजीवनी जरूर मिल गई है। पटना से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए विकास ओझा की रिपोर्ट।